सामने निकल के आया है एक रुपए तैतीस पैसे पे यहाँ पे एक अच्छा प्राइस सामने निकल के आया उसी के साथ यदि बात करें सपोर्ट्स की तो जो दो सपोर्ट्स के बीच में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट यहाँ पे सामने निकल के आए एक रुपए तीस पैसे पे पे मार्केट बंद होने को दिखाए उसी के साथ यदि आप चेक करें तो एक रुपए तो सैंतीस तो पैसे एक रुपए अड़तीस पैसे एंड एक रुपए बयालीस पैसे के यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस यदि आप दो रेसिस्टेंस देखें तो लगातार एक एक पैसे के अंतर पर रहने वाले एक रुपए सैंतीस पैसे एक रुपए अड़तीस पैसे तो ये यहाँ पे रेसिस्टेंस रहने वाले कहीं ना कहीं यदि आप इंट्राडे करते हैं तो आप इन रेसिस्टेंस इन सपोर्ट्स के साथ जा सकते

फाइव जी ऑप्शन एंड ऑल टावर ऑक्यूपाइड एंड बात करें यदि रेवेन्यू की तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं रेवेन्यू कैन वी अट अट्ठाईस सौ करोड़ का यहां पर रेवेन्यू हो सकता है इन दी स्टॉक कैन दिन ओनली पॉजिटिव हॉफ इज एनी गुड डील फ्रॉम बोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के द्वारा यहां पर जो डीलिंग होनी है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं एक अच्छा रेवेन्यू को यहां पर टारगेट करके चल रहे हैं अट्ठाईस प्लस करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू को इनने यहाँ पर टारगेट अच्छा किया है एंड फाइव जी अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात हो रही है एंड बात करें यदि हम टेक्निकली रूप से इस समय क्या जी टी एल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर वाई करने लायक है तो जी टी एल इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम टेक्निकली पोजिशन देखें तो समय जो 50 डेज डीएमए के काफी करीब चल रहा है क्योंकि तो मतलब पीछे जैसे ही टू डेज डीएमए के ऊपर जाता है वैसे ही आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते बात शॉर्ट टर्म के रिटर्न की तो शॉर्ट टर्मसोलिडेशन फेज में चल रहा है जैसे ही एक रुपए पैंतीस पैसे के ऊपर निकलता तो है शेयर का प्राइस वैसे ही आपको तो शॉर्ट में भी एक अच्छे रिटर्न बनाते हुए जाता है लेकिन यहाँ पे यदि बात करें तो एक रुपए तीस पैसे एक रुपए पैतीस पैसे के बीच में काफी ज्यादा पच्चीस जुलाई को जो वॉल्यूम आ रहे थे अभी आप देखें, तो वहां से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है अभी वॉल्यूम गिरावट यहाँ पे स्टार्ट है उसी के साथ यदि प्रेशर की बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर तो इस समय जो बाइंग प्रेशर है वो यहाँ पे चार करोड़ अड़सठ

पूरे मार्केट के साथ साथ यहां भी देखने को मिली है यदि हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहां पे एफआईआई के पास जो डाटा है वो यहां पे लगभग लगभग 0.12 परसेंट का डाटा है एफ आई आई जिसमें बहुत तो मतलब यहां पे आप बोले हैं, तो पूरी तरह से यहां पे बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं डी आई इसकी यदि बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों के पास अभी 46 परसेंट से ऊपर का स्टेक है पब्लिक के पास यहाँ पे 50 परसेंट से ऊपर का स्टेक है एंड प्रमोटर की यदि बात करें तो थ्री का स्टेक है जो यहाँ पर इनसफिसट स्टेक बोला मतलब यहां पर बहुत ही छोटा सा स्टेक प्रमोटर ने रखा हुआ है अपने पास एंड उसी के साथ यदि प्रमोटर्स की बात करें तो पूरा माल यहाँ पे प्लेजिंग करके रखे हुए हैं प्रमोटर की बात करें तो यहां पे जो 3.33% परसेंट की स्टेक है वो यहां पे ग्लोबल होल्डिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जिस नाम से यहाँ पे प्रमोटर बने हुए हैं जो अपनी होल्डिंग यहां पे, में तो हाँ, तो के के तो बेसिस पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास सबसे बड़ा स्टेक ट्वेल्व का स्टेक सामने निकल के आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास सेवन से ज्यादा का स्टेक बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी स्टेक है इंडियन ओवरसीज बैंक आईसीआईसीआई बैंक फोर

स्टेक एनआरआई कोटे के पास जीरो पॉइंट नाइन फोर परसेंट का स्टेक फॉरन कंपनीज के पास जीरो पॉइंट एट फोर परसेंट का क्लियरिंग मेंसेंट का स्टेक तो यह सारा जो स्टेक है ये यहाँ पे पब्लिक के रूम में इन सभी कॉर्पोरेट घरानों के पास है यदि हम बात करें यहाँ पर रिटर्न की तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न टू ईयर एंड थ्री ईयर के जो रिटर्न है वो यहाँ पर वन सिक्स जीरो परसेंट थ्री ईयर के रिटर्न एंड यदि हम टू ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो सेवेंटी थ्री परसेंट जबकि यदि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के रिटर्न देखें तो वो यहाँ पे अभी भी नेगेटिव में रिटर्न चल रहे है, फाइव ईयर के रिटर्न भी यहाँ पे थोड़ी से में देखने को मिल रहे हैं साथ साथ यदि वॉल्यूम एंड डिलीवरी की बात करें तो मैंने आपको वो पहले बता दिया वॉल्यूम में जबरदस्त गिरावट है इस समय भी वॉल्यूम में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो लगभग लगभग चार करोड़ क्वानिटी के वॉल्यूम आपके सामने सामने देखने को मिल रहा है उसके साथ यदि आप बात करें वन मंथ के एवरेज में काफी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर सामने रहता था आठ करोड़ शेयरों का वॉल्यूम लेकिन उसके बाद यदि आप लगातार देखें तो वॉल्यूम में गिरावट है वॉल्यूम के साथ साथ अभी इस समय तो डिलीवरी में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है फिफ्टी परसेंट के अराउंड की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली जबकि यदि आप पिछले टाइम वन वीक के एवरेज में डिलीवरी चेक करें तो वो सिक्स के अराउंड की डिलीवरी है एंड मंथ के एवरेज में चेक करें तो वो भी यहाँ पर लेकिन यदि आप आज के दिन की डिलीवरी देखें तो आपके एक्सपेक्टेड कम ही उठने को देखने को मिली है क्योंकि क्वान्टिटी ट्रेडिंग यहां पर एक करोड़ इकतालीस कर लाख से, से ज्यादा के शेयरों की रही है जिसमें से यहाँ पे पैंसठ लाख से ज्यादा के शेयरों की यहाँ पर डिलीवरी उठा ली गई लगभग लगभग फोर्टी सिक्स परसेंट के ऊपर की डिलीवरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उठने को देखने को मिली है उसी के साथ यदि हम नेशनल स्टॉक एनएससी की

बाइंग की बड़ी लगी हुई है मतलब यहां पर जो बाइंग प्रेशर है वो तेईस लाख ,00 से ज्यादा के शेयरों का है जो यहां पे कल के दिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी बना के जरूर जाएगा क्योंकि यहां पर जो बाइंग प्रेशर है वो तेईस लाख ,00 से ज्यादा शेयरों का है जो यहां पे कम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते एक झटके में यहां पे खत्म नहीं होगा तो यहां पे हो सकता है कल के दिन जो मार्केट ओपन हो वो डायरेक्ट एक रुपए एंड पैंतीस पैसे के साथ होने को देखे क्योंकि यहां पे बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आ रही है बकायदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ